नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको बता दें कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर सुबह नागदा रोड पर एक ट्रक चालक ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाते हुए स्कूली बच्चों को ले जा रही तूफान गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बता दें कि यहां पर परिणाम स्वरूप चार स्कूली छात्रों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया था। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन के जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कलेक्टर आशीष सिंह से बातचीत की और घायलों को उपचार के लिए जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके में शोक की लहर तोड़ गई है। हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को इलाज मिल जाए। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल, चार बच्चों की असमायिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है, उसके हम समग्र पर पहलुओं पर जांच कर लेंगे और कार्रवाई करेंगे। आज उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें चार बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जनमेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ भी चल रहा है, लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली बात ही इलाज सभी का हो जाए हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेक के कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि विदिशा के पठारी में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि यहां पर पठारी क्षेत्र का चारों तरफ से सड़क संपर्क भी टूट गया है। पठारी से गंज बासोदा के बीच पड़ने वाली केवटन नदी के पुल पर 9 फीट पानी होने की वजह से दो दिन से गंज बासोदा का सड़क बंद है और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पठारी खुरई सागर जाने वाले रास्ते के बीच में भी यहां पर पड़ने वाले बीना नदी के तीनों मार्गों के पुलों पर भी पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। भोपाल से होकर झांसी, सागर, दमोह, कटनी, बीना, छतरपुर, टीकमगढ़ जाने वाले सैकड़ों वाहन पठारी और साथ ही आसपास की नदी नालों पर ही रुके हुए हैं। बीना नदी के आपको बता दें कि यहाँ पर दलपतपुर घाट पर भी लगभग 12 फीट से भी अधिक पानी जो है बह रहा है और अधिक बारिश होने के कारण नदी के किनारे बसे गांव जैसे चोपड़ा, जमुनिया, चंदोली और खंडाखेड़ी आदि गांवों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि वहां पर कोई परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। आज बीना नदी बहुत तेज बाढ़ की स्थिति है और चारों तरफ अभी देखकर आए जमुनिया और का नाम से चोपड़ा और कमिरिया, चारों तरफ पानी लगा हुआ है और बाढ़ की काफ़ी गंभीर स्थिति है और लोगों का चारों तरफ से आना जाना लगभग बंद हो गया है और अगर पानी और भी अगर थोड़ा और गिरता है तो और भी भयानक स्थिति बाढ़ की हो जाएगी। यह नवनिर्मित पुल दानखेड़ी घाट बारिश के कारण स्थिति देखिएगा क्या स्थिति है, क्या परेशानी है। पहली बार बारिश ने अपना कहर। छतरपुर की चलिए बात करेंगे। आपको बता दें कि अपार फोरलेन पर एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। दौरिया के पास होटल NH 39 के सामने ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दो अज्ञात लोग आए, वो डेथ के साथ आए थे एक्सीडेंट के, 10:33 एम्बुलेंस दौड़ लाया गया, ठीक है ना। कोई एक पेशेंट तीसरा दिन में शुक्ला, वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। टोटल कितने लोग? तीन लोगों की मृत्यु हुई। कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये रीवा के, तीसरा दिन शुक्ला रीवा के हैं और दो अज्ञात व्यक्ति हैं, उनका अभी पता नहीं। चलिए बात देवास की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर चंद्र मोले शुक्ला के निर्देश पर आबकारी अधिकारी वंदना पांडे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई के यहाँ पर नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निर्माण और संग्रहण, विक्रय और साथ ही परिवहन करने वालों के खिलाफ देवास शहर की बाईपास स्थित ढाबों, होटलों और साथ ही संदिग्ध स्थानों पर जिले के यहाँ पर समस्त आबकारी टीम की तरफ से कार्रवाई की गई।
जिसमें बताया जा रहा है कि यहां पर राजपूत ढाबा, आरएस ढाबा, डीजे होटल और दास साहब यारुदा ढाबा सहित यहां पर कई ढाबों पर छापेमार कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में मुख्य भूमिका आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव और डीपी सिंह, निधि शर्मा, विजय कचेरिया आदि की रही है। और चलिए बात देवास की करेंगे। आपको बता दें कि देवास जिले के बागली में यहां पर नगर परिषद चुनाव के दिन पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज के यहां पर सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। विधायक कन्नौज ने यहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो यहां पर खेद प्रकट करते हुए माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक का ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने यहाँ पर वीडियो में कहा है कि यहाँ पर बागली नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दिन जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि बागली नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण अशोभनीय घटना घटी उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। साथ ही संपूर्ण देवास जिला एवं बागली के नागरिकों से, मतदाताओं से एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से प्रार्थना पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि बागली स्वर्गीय कैलाश जी जोशी की तपोभूमि है और यह हमेशा उनके नाम से जानी जाएगी। और चलिए बात अब गुना की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बाढ़ में फंसे तीन ग्रामीणों की जानकारी दी और साथ ही उन्हें तत्काल गुना कलेक्टर के निर्देश पर रात में ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। साथ ही आपको कि लगातार हो रही बारिश के चलते लोग जो है कई इलाकों में फंसे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर SDRF की टीम की तरफ से तीनों ग्रामीण हंसराज मीना, सीताराम मीना, हरगोविंद मीना को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। बीजेपी नेता महेंद्र सिंह ने सिंधिया का यहाँ पर आभार व्यक्त किया और साथ ही जिला प्रशासन और SDRF की टीम को भी बधाई दी है। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में आयोजित पिछड़ा वर्ग जन संवाद कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति और साथ ही फरियादियों की यहाँ पर कमी पर उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष संजय नेगी और साथ ही उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकित आर्य ने गहरी नाराजगी जताई है। अधिकारियों को यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी को भी ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग से संबंधित जातियों के लोगों की यहां पर समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने के लिए प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग जन संवाद शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि उसमें लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। जो भी शिकायतें हमें मिली हैं उनको उनका निस्तारण करने के लिए हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी शिकायतें अभी हमें प्राप्त हुई हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हरिद्वार में पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो एक जन सुनवाई जन संवाद कार्यक्रम यहाँ पर लगा है, इससे पहले हम लोग पूरा कुमाऊं मंडल और पिछले वर्ष हमने लगभग सभी जिले, दो जिला छोड़कर के पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है, समीक्षा बैठकें करी हैं, जन सुनवाई करी हैं, हेयरिंग करी हैं। तो निश्चित तौर पर आज हरिद्वार में हमारे पहला विकासखंड यहाँ पर आज हम इसको शुरू कर रहे हैं जन सुनवाई, और लगातार हरिद्वार में हमारे चार क्षेत्रों में चार ब्लॉकों हमने जन सुनवाई करी है। मंडला में लगातार तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण नली नादे भी यहां पर जो है वो उफान पर बह रहे हैं। झमाझम बारिश के कारण जिले में नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला के डिंडोरी क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश का असर नर्मदा और साथ ही उसकी सहायक नदियों पर देखा जा रहा है, जिसके कारण मंडला की रपटा घाट स्थित छोटा पुल एक बार फिर से डूब गया। लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और जिससे यहाँ पर निचली बस्तियों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आपको बता दें कि नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और साथ ही जो है जहां पर पानी भरा हुआ है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मंडला जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर
बिछिया अनुविभाग की ग्राम पंचायत ककैया निवासी मुर्गेश ठाकुर ने शासकीय भूमि पर जाली लगाकर कब्जा किया हुआ था, जिसे बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार अंजनिया ने अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मानव बल और साथ यहां पर बुलडोजर चलाकर मुक्त करवा लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ग्राम ककैया की मुर्गेश ठाकुर पिता आर ठाकुर के यहाँ पर अंजनिया उप तहसील से नायब तहसीलदार के साथ पूरा राजस्व अमला ग्राम ककैया पहुंचा, जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और साथ ही जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था उसे सभी जमीन को मुक्त करा लिया है। ये राजनीतिक देशभावना के तहत की जा रही है जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी हमने अतिक्रमण के जो कागज हैं तहसीलदार ऑफिस को दिया था, बट उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और तहसीलदार द्वारा जो बोला जा रहा है कि उसकी कार्रवाई जल्द की जाएगी। सिर्फ राजनीतिक देशभावना के रखते हुए सिर्फ हमारे घर पे ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अब तहसीलदार से फिर से जब ये बात पूछी जा रही है तो उनके द्वारा बोला जाता है कि ये कार्रवाई आपके ऊपर पहले भी कर दी गई थी, इसके बाद भी आपने अतिक्रमण नहीं हटाया था। इसके पूर्व शीतल चंद्रवंशी जो तहसीलदार थी तो उनके द्वारा हमें बोला गया था कि आप गेट दे दीजिए, तो बाकायदा हमने आज की डेट में गेट दे चुका है, पर इसके बाद भी कुछ राजनीतिक दबाव के चलते तहसीलदार द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। आजनीय नायब तहसीलदार न्यायालय की आदेश अनुसार आज पी मुर्गेश ठाकुर का अतिक्रमण हटाया जाए जो कि शासकीय अतिक्रमण था। सर, लोगों का कहना है कि ये अतिक्रमण जो है राजनीतिक द्वेषता बस हटाया जा रहा है, यह एक न्यायालय की प्रक्रिया है, कोई राजनीतिक नहीं। सर, और भी अतिक्रमण हटेंगे, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी आगे। सर, मंदसौर जिले की गांधी सागर बांध के यहां पर 5 छोटे और साथ ही 3 बड़े गेट खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने के चलते एक सप्ताह में 2 बार गेट को खोला गया है। लगातार बारिश के चलते कुल 8 गेट खोले गए हैं। जिले में लगातार लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और जिसके कारण नदी नाले भी उफान पर है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश को लेकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और साथ ही शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि अगर कहीं से कोई भी सूचना मिले तो तुरंत कार्रवाई कर वहां पर सहायता पहुंचाई जाए। और चलिए बात शाजापुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शाजापुर जिले में रविवार से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और आपको बता दें कि बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं और आपको बता दें कि लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। शाजापुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूलों के अवकाश भी घोषित कर दिए हैं। और वहीं बात की जाए तो शाजापुर की जीवनदायिनी चिलर नदी की आंतों पर आपको बता दें कि चिलर महुपुरा पर भी नदी पर रपटे पर पानी आने से मार्ग बाधित हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बता दें कि जो है नदी नाले उफान पर होने की सूचना है, तो आपको बता दें कि लगातार जो है बारिश होने के चलते आवागमन पर पूरा असर पड़ रहा है और निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हमारे नाले उफान पे हमारे यहाँ पर वर्षा बोर्ड और सफेद में लगाई गई। आपका पूरा शुभ नाम? मेरा नाम पाचे में साजा पाचे पक्षी कल्याण है। लगातार तेज बारिश से साजापुर शहर के कई इलाके के नदी नाले उफान पर, जैसे ही हमारे बादशाह पुल पर भी उफान पर होने से यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे रोक लगा दी गई, जिसको लेकर यहाँ पर आने जाने पर प्रतिबंध किया गया। लगातार तेज बारिश से बादशाहपुर की नदी, महूपुरे की नदी पर भी उफान तो होने से चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के सभी कर्मचारी नदी पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के लगातार बारिश तेज बारिश होने से शाजापुर में नदी नाले उफान पर है और नदी नालों के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से, नगर पालिका द्वारा भी, पुलिस प्रशासन द्वारा भी नगर पालिका कर्मचारी भी खड़े हुए हैं डिटेन पार्ट से। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।